हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विथ सुपर क्लासेस। आज हम बिहार बोर्ड के विज्ञान में वर्ग 8 का पाठ 9 देख लेते हैं। पाठ का नाम है ईंधन हमारी जरूरत। प्रश्न पहला देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क देख लेते हैं रिक्त स्थान तथा फिर रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है, तो पहले रिक्त स्थान में कोयला, दूसरे रिक्त स्थान पेट्रोलियम। ख देख लेते हैं रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत है, तो पहले रिक्त स्थान में सौर ऊर्जा, दूसरे रिक्त स्थान में पवन ऊर्जा। ग देख लेते हैं कुल तार खाली स्थान का उत्पादक, इस खाली स्थान में कोयला भराएगा। घ देख रहे पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन को पृथक करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है, इसका में उत्तर कोयले होगा। घ देख लेते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है, तो इसमें कोयले भराएगा। अंग देख लेते हैं वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खाली स्थान है, इस खाली स्थान में CNG भराएगा। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। क देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ये असत्य है। ख देख लेते हैं कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, ये सत्य है। ग देख लेते हैं पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये असत्य है। घ देख लेते हैं बरौनी में तेल का कुआं है, ये असत्य है। अंग देख लेते हैं कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, यह सत्य है। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं कोयला किस प्रकार बनता है, उत्तर देख लेते हैं लाखों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर बहुत घने वन पाए जाते थे, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ भूकंप के कारण वे जमीन के नीचे दब गए, नीचे दब जाने के कारण संपीड़ित होते गए, धीरे धीरे उनका ताप बढ़ता गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण पीठ में बदल गए लिग्नाइट, उसके बाद कोयला में बदल गए, इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। प्रश्न चौथा देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है, उत्तर देख लेते हैं जीवाश्म ईंधनों के बनने में लाख वर्ष लग जाते हैं, यदि एक बार समाप्त हो गए तो पुनः नहीं मिल पाएंगे, इस प्रकार जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न पांचवा देख लेते हैं ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, 1 ठोस, 2 द्रव, 3 गैस। प्रश्न छठा देख लेते हैं पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, उत्तर देख लेते हैं पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से हुआ है, जब वे मरे तो उनके शरीर समुद्र की तली में जाकर जम गए, फिर धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परत जमती चली गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तथा उच्च दाब के कारण पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ। प्रश्न सातवां देख लेते हैं कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए, उत्तर देख लेते हैं कोयला के विभिन्न उत्पाद कोक तथा कोलतार है, इसका उपयोग हम पक्की सड़क बनाने में करते हैं। प्रश्न आठवां देख लेते हैं CNG और LPG का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या क्या लाभ है, उत्तर देख लेते हैं CNG के प्रयोग से कम वायु प्रदूषण होता है और सस्ता भी पड़ता है, इससे हमारे पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है। इसी तरह से LPG का प्रयोग रसोई घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण में कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो सके और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके, यह भी सस्ता पड़ता है। प्रश्न वह देख लेते हैं सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ है, उत्तर देख लेते हैं सूर्य के प्रकाश हम सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल प्रदूषण रहित है और यह निरंतर चलने वाली ऊर्जा है। इसी प्रकार वायु का प्रयोग पवन चक्की के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यह भी प्रदूषण रहित होता है। प्रश्न दसवां देख लेते हैं भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर देख लेते हैं भारत में तेल क्षेत्र गुजरात के अंकलेश्वर, मुंबई के मुंबई हाई तथा असम क्षेत्र के मोहर कटिया क्षेत्र में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।